Hi everyone, my name is Shivani Yadav. Welcome to our channel ECS ABC. In today's video, we will going to learn that how we can create a simple game by using a simple code in three languages, HTML, CSS and JavaScript. Let's look. हम इस कोड पे तीन फाइल क्रिएट करेंगे, एक HTML की, एक CSS की, एक JavaScript की. जो हमारे HTML के कोड की फाइल होगी, हम उसी में क्या करेंगे? अपनी CSS की फाइल और JavaScript की फाइल को लिंक कर देंगे. अब फाइल को लिंक करने का तरीका क्या होता है? देखिए, हम CSS की फाइल को लिंक करते हैं, लिखते हैं link rel, फिर लिखते हैं type text slash css और फिर हम लिखते हैं href CSS की फाइल का नाम. उसी तरह JavaScript की फाइल को लिंक करते हैं, लिखते हैं script src, फिर JavaScript का फाइल का नाम, फिर type और फिर लिखते, और ये जो हमारा पूरा लिखने का वो होगा, लिंक करने का लिंक पार्ट हम सिर्फ और सिर्फ हेड सेक्शन में लिखेंगे. और यहाँ पे जो मैंने फाइल का नाम लिया हुआ है वो सेम लिखा हुआ है, नेसेसरी नहीं है आप फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं. चलिए गेम का इंटरफेस देखते हैं. ऊपर गेम का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चार इनपुट टाइप लिए हुए हैं. एक लिया हुआ है रेडियो, एक है बटन और दो है टेक्स्ट. ये हमारे टेक्स्ट है दो. फिर उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसे मैंने डिसेबल किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि अगर ये इनेबल रहेंगे तो जो हमारा यूजर है, मतलब आप या मैं, गेम खेलते टाइम हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कम कर सकते हैं. तो ये डिसेबल रहेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम लिख के, ठीक है. और फिर इसके बाद जो हमारे ये रेडियो बटन है वो इनेबल है, जिसमें क्या होगा वो तब इनेबल होगा, मतलब जैसे कि आपने अगर इस पर क्लिक कर दिया तो मेरी वाली रेडियो बटन डिसेबल हो जाएगी तब तक जब तक आप इस पे हिट नहीं कर लेते. जब आप इस पे हिट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक नंबर, रैंडम नंबर जनरेट होगा. और जैसे ही ये रैंडम नंबर जनरेट होगा वैसे ही यहाँ पे जो चांस लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे सिक्स लिखा हुआ है ना, तो ये सिक्स की जगह पे यहाँ पे पांच हो जाएगा. और जो यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट होगा वो इस टोटल पॉइंट में क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा. और आपके हिट करने के बाद कंट्रोल मेरे पास चला जाएगा, फिर मैं यहाँ पे हिट करूंगी, मेरी रही जो हिट बटन होगी वो इनेबल हो जाएगी, आपकी हिट बटन क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी. और फिर मेरे जो चांस लेफ्ट है वो डिक्रीज हो जाएंगे और जो भी ये पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, मेरे में ऐड हो जाएंगे. फिर इसी तरह करते करते सारे चांसेस जब खत्म हो जाएंगे तो जो भी विनर रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा. चलिए इसे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं. ये रहा हमारा कोड, ये देखिए ये है हमारा कोड. अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने लिंक किया हुआ है अपने CSS की फाइल को, ये रहा, और ये रहा मैंने अपने JavaScript की फाइल को लिंक किया हुआ है. ये है हमारी CSS की फाइल, CSS का कोड, और ये है हमारा JavaScript की का कोड, ठीक है. हम अभी देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. पहले हम गेम को देख लेते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने लिंक किया हुआ है और यहाँ पे मैंने दो टेबल क्रिएट की हुई है, एक जो है मेरे लिए है, इजी एस एबीसी की टीम के लिए है, और एक जो है व्यूअर आपकी टीम के लिए ये टेबल क्रिएट की गई है, ठीक है, ताकि वो इंटरफेस दिखता रहे, ठीक है. चलिए देखते हैं इस कोड को रन करा के ब्राउजर पे. मैं क्रोम ब्राउजर पर इसे रन करा रही हूँ. देखिए ये हमारा गेम है, ये खुल गया. देखिए यहाँ पे रेडियो बटन है, जैसे ही अब आप, चलिए आपको मैं चांस देती हूँ, आप इस पे क्लिक करो. जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपकी जो हिट बटन है वो इनेबल है और मेरी हिट बटन क्या है, डिसेबल है. अगर मैं इस रेडियो बटन पे क्लिक भी करूंगी तो भी ये क्लिक नहीं होगा. देखिए मैं अपनी बटन पे क्लिक कर रही हूँ लेकिन ये क्लिक नहीं हो रहा है. अब मैं अपनी हिट बटन पे भी क्लिक करूंगी तो वो भी, उस पर भी क्लिक नहीं होगा, ठीक है. और देखिए आपकी जो चांस लेफ्ट है वो क्या है, सिक्स है, और टोटल पॉइंट क्या है, जीरो है, मेरा भी वही है. जैसे ही आपकी अपनी बटन पे हिट करोगे एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया है 29, और देखिए आपके चांस लेफ्ट क्या हो गए, 5 हो गए, और जो टोटल पॉइंट था वो क्या हो गया, 29 हो गया. अब मेरे भी जो चांस लेफ्ट है अभी 6 है और जो टोटल पॉइंट है वो क्या है, 0. अब मैं हिट करूंगी 43, एक नंबर आया, चांस लेफ्ट डिक्रीज हुआ और टोटल पॉइंट क्या हो गया, 43. इसी तरह अब आपकी चांस पे कंट्रोल पहुंच गया. अब आप इस पे क्लिक करोगे फिर मेरे पे कंट्रोल पहुंच गया, जो भी पॉइंट आया इसमें ऐड हो गया, ठीक है. इसी तरह अब मैं इस पे हिट करूंगी, मुझे 8 मिला, जो भी पॉइंट आया इसमें ऐड हो गया. उसी तरह थर्ड, अब आप हिट करोगे, जो भी पॉइंट आया इसमें ऐड हो गया. अब देखिए चांसेस डिक्रीज होते जा रहे हैं. फिर मैंने हिट किया, फिर आपने हिट किया, फिर मैंने हिट किया, आपने हिट किया, ये किया, फिर आपने किया, फिर मैंने किया. देखिए वो जो हमारा गेम था वो ओवर हो गया.
और उसके पास जो विनर है वो व्यूअर है, व्यूअर मतलब आप जीत गए। ठीक है, ऐसे ही हमारा गेम एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए इस कोड को समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं EZS ADC के फेसबुक पेज का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहे तो वहां से इसका कोड भी ले सकते हैं। चलिए कोड डिस्कस करते हैं। मेनली इस कोड पे हो क्या रहा है कि हम चार इनपुट टाइप क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक रेडियो के लिए, एक हमारा बटन के लिए और दो टेक्स्ट बॉक्स के लिए। जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स और बटन होंगे वो क्या होंगे, डिसेबल होंगे, लेकिन जो हमारा रेडियो बटन होगा वो क्या होगा, डिसेबल नहीं होगा। और जैसे ही हम इस रेडियो बटन को क्लिक करेंगे, इसी तरह हम दो टीम के लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है, मेनली हम HTML CSS करके इसी तरह दो टीम के लिए क्रिएट करेंगे, एक टीम ए टीम बी के लिए। ठीक है, हमारे केस में एक मेरी टीम है एक आपकी टीम है। फिर क्लिक करने पे जो रेडियो क्लिक होगा वो वन पे जाएगा, मतलब यहाँ पास दो टीम के लिए क्रिएट करेंगे और पहली टीम के लिए यहाँ पे वन पास करेंगे और सेकंड टीम के लिए यहाँ पे टू पास करेंगे। ठीक है, HTML CSS लगा के हम कुछ ऐसा दिखने वाला इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे। आप चाहे तो और भी किसी भी तरीके का इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, मेनली ये चार चीजें आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही रेडियो क्लिक पे हमारा रेडियो क्लिक नाम का फंक्शन कॉल होता है, मेनली मैं जावास्क्रिप्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे ही फोकस कर रही हूँ। देखिए हमारा जावास्क्रिप्ट पे क्या होगा, रेडियो क्लिक फंक्शन कॉल होगा। इस पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा कि दूसरे वाले की जो रेडियो बटन है उसे क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा। और अगर 2 है तो पहले वाले की रेडियो बटन को क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा। उसके बाद हमारा जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा डिसेबल रेडियो। फिर उसके बाद डिसेबल रेडियो फंक्शन में क्या होगा कि हिट 1 की जो भी क्यों, अगर 1 है तो ये क्या करेगा, पहले वाले की जो हिट हो बटन होगी उसे क्या कर देगा, इनेबल कर देगा, क्योंकि 1 क्लिक किया था। और जो दूसरे वाले की जो बटन है उसे क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा, उसने डिसेबल कर दिया। फॉल्स मीन्स होता है कि देखो डिसेबल फॉल्स हो गया, मतलब कि क्या हो गया, इनेबल हो गया। डिसेबल ट्रू हो गया, इट मीन्स कि डिसेबल हो गया। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी टीम के लिए भी देख लेंगे कि अगर दूसरी टीम ने किया हुआ है तो जो पहली वाली टीम का डिसेबल करते और दूसरी वाली टीम का क्या करते, इनेबल करते। यही सेम फंक्शन हम एक बार बार करके पास करते रहेंगे, कब वो करेगा तो वो करेगा तो वो। ठीक है, अभी हम एक और फंक्शन यूज करते हैं रैंडम। इसमें क्या करता है कि रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है मैथ डॉट रैंडम, ये क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। और ये मैथ डॉट फ्लोट क्या करता है, उसे क्या करता है, 0 से 1 के बीच में ये नंबर क्रिएट करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर क्रिएट करने के बाद क्या करता है कि जो चांस लेफ्ट होता है, जो चांस लेफ्ट का हमने एक ब्लॉक बनाया था जो टेक्स्ट वाला, उसमें क्या करेगा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो हमने इनिशियली क्या ली हुई थी, 6 ली हुई थी, तो वो क्या होगी, जितनी बार भी हिट पे क्लिक होता जाएगा रैंडम नंबर जनरेट करेगा और क्या करेगा, चांस लेफ्ट की वैल्यू क्या, डिक्रीज करता जाएगा। और ये जो रैंडम नंबर जनरेट होकर आया है वो किसी एक वेरिएबल ए में स्टोर हुआ है। ठीक है, और वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू में आके ऐड होता जाएगा बार बार, इतना बार बार करता जाएगा। ठीक, यही एक टीम के लिए भी करेगा, दूसरी टीम के लिए भी यही काम होगा। फिर इसके बाद ये दूसरी टीम के लिए है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आके चेक करेगा कि क्या जो हमारा चांस लेफ्ट है वो क्या 0 हो गया है। अगर दोनों टीम का चांस लेफ्ट क्या होगा, 0 होगा, तो ये विनर नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। विनर नाम के फंक्शन में क्या होगा, ये चेक करेगा कि टोटल वैल्यू किसकी ज्यादा है, पहले वाले की ज्यादा है या सेकंड वाले की ज्यादा है। पहले वाले की ज्यादा होगी तो पहले वाले को क्या कर देगा, विनर बना देगा। अगर सेकंड वाले की ज्यादा होगी तो सेकंड वाले को विनर बना देगा। हमारे केस में सेकंड वाला विनर था। सो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखा था। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट, थैंक यू।